स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 11.1 स्टार्ट करेंगे। तो 11.1 का पार्ट 1 हम पहले ही करा चुके हैं, तो इसे हम पार्ट 2 करेंगे इसका, 11.1 का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम करेंगे 11 से क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 18 तक, और पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करा चुके हैं। तो अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 11 से लेकर 18 तक, वो हम इस पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 11.1 के क्वेश्चन नंबर 11 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स हम देरी ना करते हुए अपनी एक्सरसाइज 11.1 का 11 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इन अ कैंप सफिशिएंट फूड वाज स्टोर्ड टू लास्ट 16 मेंस फॉर 45 डेज। तो इसमें बोला है कि एक कैंप है, उसमें उनके पास सफिशिएंट भोजन था, ठीक है, कितने दिन के लिए, 45 दिन के लिए, और कितने मेन खा सकते थे उसे, 16 आदमी खा सकते थे उसे 45 दिन तक, ठीक है, इतना उनके पास राशन था, ठीक है। आफ्टर 15 डेज 6 मेन लेफ्ट, तो उसमें बोला है कि लास्ट मतलब आफ्टर 15 दिन बाद उसमें से 6 आदमी चले गए, तो कितने बचे, कितने बचे, 30 6 आदमी चले गए, तो 16 आदमी और बचे इसमें से, और कितने दिन बाद गए, 15 दिन बाद, तो जो 10 आदमी थे वो कितने दिन लगातार और रहेंगे, 30 दिन और रहेंगे, क्योंकि 45 में से 15 गए तो कितने बचे, 30 बचे, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट फॉर द रिमेनिंग मेन, तो ये बोला है कि जो रिमेनिंग मेन है, जो बचे हुए आदमी है, तो उनके लिए वो कितने दिन भोजन चल सकता है, हमें ये बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। साइड डालेंगे नंबर ऑफ मेंस, क्वेश्चन नंबर 11 है, नंबर ऑफ मेंस और नंबर ऑफ डेज, ये नंबर ऑफ मेंस और डेज ना भी डालेंगे आप तो भी चल जाएगा, ठीक है, खाली मेंस और डेज डाल दीजिए। इतना क्लियर है भाई, नंबर ऑफ मेंस और नंबर ऑफ डेज, तो कितने मेन है हमारे, पहले 16 मेन है, और कितने दिन के लिए है, कितने दिन के लिए है, 30 डे के लिए, क्योंकि कितना बोला है, जो 16 आदमी है यहां डाल देंगे लेफ्ट डेज इक्वल टू 45 माइनस के 15, तो कितने बचे डेज, 30, तो 30 डे कितने रहेंगे, 16 रहेंगे, ठीक है, और 10 कितने दिन और रहेंगे, 15 दिन ही तो रहे ना, जो 16 आदमी थे 45 दिन का उनके पास भोजन था, अब वो बोल रहा है कि 15 दिन बाद 6 आदमी चले गए उसमें से, तो कितने बचे, 10 आदमी और बचे ना, यहां पे लिख दो लेफ्ट या रिमेन मेन, कितने हो जाएंगे, 16 माइनस के 6, तो कितने बचे, 10 मेन, इतना क्लियर है, तो यहां लिख देंगे 10, और हमें डेज पता नहीं है तो x मान लिया। अब ये हमारा किस में है, यहां पे लिख दो इट इज केस इन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला पता है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, तो x1 क्या है 16 इंटू 30 इक्वल टू 10 इंटू x, तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 16 इंटू 30 अपॉन 10 इक्वल टू x, तो 10 थ्री जा 30, तो 16 48 इक्वल टू x, तो क्या माने हैं ये डेज, तो कितने आ गए 48 डेज, यहां पर 48, तो कितने दिन चल जाएगा, अगर 6 महीने 6 आदमी इसमें से चले जाएं तो वो खाना 48 दिन तक खा सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है,
12 में दिया हुआ है आपको, ए कार टेक्स 2 आवर टू रीच आर डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसमें बोला है एक कार है जो क्या ले रही है, 2 घंटे ले रही है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, और वो किस स्पीड से चल रही है, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। तो हाउ लॉन्ग स्पीड इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो उसमें पूछा है कि टाइम वो कितना लेगी अगर उसकी स्पीड हम बढ़ा दे। तो मैंने पहले ही बताया अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, ठीक है, और स्पीड अगर हम बढ़ाते हैं तो टाइम हमारा कम हो जाएगा। तो बनाते हैं इसे, एक तरफ डालेंगे स्पीड और एक तरफ टाइम। तो स्पीड कितने, 75 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना ले रहा है वो, 2 आवर। तो अब बोला है 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, तो टाइम क्या लेगा, हमने मान लिया एक्स अपने पास से, ठीक है। तो ये भी ये किसमें है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है। इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, x1 y1 और x2 y2। इतना क्लियर है। तो x1 क्या है हमारा, 75 × 2 इक्वल टू 100 × x। तो ये क्या है, 75 × 2/100 इक्वल टू x। तो 25 × 75 = 100, 2 × 2 = 2, 2 × 4। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3/2, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 और 1/2 आवर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझना है फिर क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ 15 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 28 डेज। तो 15 आदमी कितने दिन में खेत की बुआई कर रहे हैं, 28 दिन में। इन हाउ मैनी डेज विल 10 मैन रीप इट, तो 10 मैन कितने दिन में करेंगे। तो करते हैं सेम, बनाते हैं इसका भी, और डेज, ठीक है। तो मैन कितने हैं, 15 मैन 28 डेज में कर रहे हैं, और 10 मैन कितने दिन में करेंगे। तो ये भी हमारा किस में है, इट इज, लिख देना, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का x1 y1 और x2 y2। तो x1 क्या है, 15 × 28 इक्वल टू 10 × x। तो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, 15 × 28/10 इक्वल टू x, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, 2 × 4 = 2, 1 = 2 और 2 × 4 = 8। तो क्या हो गया, 14 × 3 = 42 x। तो ये क्या है, 42 क्या आ गए, डेज। ये क्वांटिटी जरूर लिख देना है, डेज है तो डेज, आवर है तो आवर, स्पीड है तो स्पीड, टाइम है तो टाइम, ये सब चीज लिखते हुए चलना है, नहीं तो नंबर कट सकता है इस पे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 था। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में हमें दिया है, इफ 18 मैन कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, अगर 18 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। तो हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू डू द वर्क इन 12 डेज। तो अब बोल रहा है कि कितने आदमी इसे 12 दिन में कर देंगे। तो अब देखो, अभी 18 आदमी क्या कर रहे थे, 8 दिन में, तो सीधा सीधा टाइम बढ़ा है, ठीक है। तो आदमी क्या कम हो गए होंगे इसमें, सीधी सी बात है, जब टाइम ले ज्यादा ले रहे हैं वो, तो क्वांटिटी भी, जैसे कि मान लो एक कार्य मैं 5 दिन में कर रही हूं, अगर मैं बोलूं कि इसी कार्य को मैं 10 दिन में करूं, ठीक है,
एक एग्जाम्पल लो आप, जैसे कि दो आदमी एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में, ठीक है। तो एक आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, फिर दुगनी एफिशिएंसी से करेगा ना, दुगने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा फिर वो, 8 दिन में। तो अब ऐसे ही इस क्वेश्चन में पूछा है 18 आदमी 8 दिन में कर रहे हैं, तो हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन 12 डेज, तो 12 डेज में करने के लिए कितने आदमी हमें रिक्वायर्ड हैं, तो ये हमें बताना है। पहले बना लेते हैं, मैन डेज, तो 18 आदमी कितने दिन में, 8 दिन में, तो पूछ रहा है 12 डेज कितने दिन में करेंगे, मतलब 12 दिन में कितने आदमी कार्य करेंगे। तो हमारा ये भी क्या है, इट इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, तो क्या हो जाएगा 18 मतलब x1 y1, फॉर्मूला जरूर लिखना है, x2 by 2, तो 18 इंटू 8 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स या एक्स इंटू 12, 18 इंटू 8, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में, इंटू एक्स, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 3 6 जा 18, तो कितना आ गया एक्स इक्वल टू 12 मैन। तो इस कार्य कितने दिन में करेंगे, 12 आदमी करेंगे, ठीक है, समझ आया। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो अब जैसे कि जैसे 18 आदमी 8 दिन में कम दिन में कर रहे थे, तो ज्यादा आदमी ज्यादा दिन में काम करेंगे, कम आदमी ज्यादा दिन में कार्य करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ए मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 900 बोटल्स इन 6 आवर, तो मतलब ये बोल रहा है कि जो 900 बोटल्स हैं उनको कितने घंटे में भर दे रहा है वो, 6 घंटे में, तो हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, तो पूछा है कि 5 घंटे में कितनी बोतल भरेंगी। तो सीधी सी बात है, जब घंटा कम हो रहा है तो बोतल भी तो कम होंगी ना, होंगी ना। जैसे कि कार्य ज्यादा हुआ, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर जैसे कि आप एक चॉकलेट ले रहे हैं तो वो कितने रुपए की आ रही है, 10 रुपए की। अगर मैं कहूं कि छोटी चॉकलेट लेंगे आप तो कितने रुपए की आएगी, छोटी चॉकलेट तो फिर कम रुपए की आएगी ना, 5 रुपए की आएगी। अगर मैं कहूं कि आप 4 चॉकलेट आपको चाहिए तो 4 चॉकलेट में फिर कितनी क्वांटिटी बढ़ गई, तो भाई पैसे भी तो 30 बढ़ गए ना, जो एक चॉकलेट 10 रुपए की थी तो अब 4 चॉकलेट कितने की हो जाएंगी, 40 रुपए की, ठीक है। तो ऐसे ही अगर अभी वो 6 घंटे में 900 बोतल भर रहा था तो 5 बोतल वो कम टाइम में भरेगा फिर, ठीक है। तो जो घंटा कम हुए हैं तो बोतल भी कम होंगी, ये नहीं है कि टाइम बढ़ा तो जो टाइम है टाइम बढ़ेगा तो फिर कार्य भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर टाइम कम होगा तो कार्य भी कम होगा, ये ध्यान रखना है। यहां लिख देना नंबर ऑफ बोतल्स, और यहां पर टाइम इन आवर, तो 900 बोतल वो कितने टाइम में भर रहा है, 6 आवर में, तो यहां हमें बोतल पता नहीं है तो ये 5 आवर, तो किस में होगा ये हमारा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक क्वांटिटी घट रही है तो वहां पर दूसरी भी क्वांटिटी घटेगी, तो सीधी सीधी यहां पर हमें पता चल रहा है ये किस में हो गया हमारा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ये इट इज केस या दिस केस, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो क्या होता है, x1 upon y1 इक्वल टू x2 upon y2, ये फॉर्मूला होता है। तो x1 क्या है, 900 upon 6 इक्वल टू x upon 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, क्या आ जाएगा, 900 multiply 5 upon 6 कर दो इक्वल टू x, 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 0 और 2 से 5 और 0, तो 5 0 0, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 2 7, तो कितना हो जाएगा, 750 बोतल। तो देखना टाइम कम हुआ टाइम घटा तो बोतल भी कम हो गई, ठीक है। तो इसीलिए दिस केस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अगर क्वेश्चन कहीं भी ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहे हैं तो पूछते हुए चलना है क्वेश्चंस को, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों का कहना है कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, ऐसा है क्या? क्योंकि मेरे तो बच्चे यही बोलते हैं कि हमें क्वेश्चन समझ आ रही हैं। अगर फिर भी ऐसा है कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये लाइन समझ नहीं आई। आप ऐसे बताएंगे तो हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? तो लेकिन आप भी अपने अंदर थोड़ा एक्टिविटी दिखाइए, कमेंट करिए, हाथों को चलाइए, हाथ चलाने के लिए दिए हैं भगवान ने। अब मैं ये नहीं बोल रही कि उल्टे सीधी जगह हाथ चलाइए, कभी किसी के गाल पे ही चांटा मार दो, नहीं, गाल पे चांटा मारने के लिए नहीं बोल रही, हाथ चलाने की बात बोल रही हूँ। कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चीज के लिए मैं बोल रही हूँ कि हाथ चलाइए, ठीक है? और साथ के साथ क्वेश्चंस नोट करते हुए चले, साथ के साथ क्वेश्चन नोट करते हुए चलेंगे, कॉपी बना लें एक स्कूल इसने कोचिंग की, ठीक है? चैनल के नाम से बना लीजिए, अपना मैथ के नाम से एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है? क्योंकि यहां पर मैं एक एक क्वेश्चन करा रही हूं, कोई नहीं कराने वाला है, इतना मैं आपको गारंटी दे रही हूं, ठीक है? तो जैसे हम निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहे हैं, इसी प्रकार से आपको भी निस्वार्थ भाव से इस चैनल को शेयर करना है, ठीक है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। अगर कहीं डाउट हुआ करे तो साथ के साथ पूछ लिया करो। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ए कार ट्रेवल्स 1 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इन 1.5 मिनट। तो 1 किलोमीटर वो कितने मिनट में चल रही है? 1.5 मिनट में पहुंच रही है, ठीक है? इफ इट ट्रेवल्स एट द सेम रेट, तो अगर उसको सेम रेट से चलाया जाए, अगर सेम रेट से वो ट्रेवल कर रही है, तो हाउ फार विल इट गो इन 24 मिनट। अब देखो 1 किलोमीटर वो कितने में चल रही थी, तो 1.5 मिनट में, तो सीधी सी बात है यहां पर टाइम बढ़ा तो स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है? जो डिस्टेंस है वो भी इसमें बढ़ेगी, तो इसीलिए किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ये केस, ठीक है? डिस्टेंस और टाइम, 16 क्वेश्चन है, ठीक है? तो कितना किलोमीटर चल रही है, 1 किलोमीटर चल रही है, वो कितने टाइम में, किलोमीटर लिख लो यहां, किसमें दिए किलोमीटर और ये दिए है मिनट में, ठीक है? तो 1 किलोमीटर 1.5 मिनट में चल रही है। अब बोल रहा है कि 24 मिनट में वो कितने किलोमीटर चलेगी, तो हमने एक्स मान लिया, हमें तो पता नहीं है ना भाई कितने किलोमीटर। अब देखना यहां लिख दो, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो इसका क्या हो जाए, x1 upon y1 = x2 upon y2, तो क्या है 1 upon x1 क्या है 1 upon 1.5 = x2 क्या है x ही है upon 24, मल्टीप्लाई कर दो इनकी क्रॉस, तो क्या हो जाएगा 24 = 1.5x, पॉइंट हटा दो, 10 कर लो, 1 करके मल्टीप्लाई कर दो, 24 × 10 240 हो जाएगा, और ये 50 = x, तो 3 से 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24 और 5 से 80 हो गया, 5 × 5 और 5 × 6 = 18, तो x = क्या आ जाएगा 16 किलोमीटर। तो कितने 24 मिनट में वो कितना चली, 16 किलोमीटर, मतलब 16 किलोमीटर वो चली, ठीक है? इतना आया समझ, यहाँ 0 भी लिख दो, कभी कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है? जब इसे काटेंगे तो 16×5 = 80 होता है, ठीक है? क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस एक बार आप पैटर्न पकड़ जाएंगे तो क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। अगर जब तक पैटर्न नहीं पकड़ेंगे, जब तक मैंने जो आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है तब तक इंट्रोडक्शन को नहीं देखेंगे, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको लिख के दे रही हूं, अगर कर ले तो मैं इनाम देने के लिए भी तैयार हूं। बिना आप एग्जाम्पल समझे और बिना इंट्रोडक्शन समझे आप क्वेश्चन कर दे, एक भी क्वेश्चन कर देते हैं आप, तो मैं आपको इनाम देने के लिए तैयार हूं, ठीक है? इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ 56 मैन कैन डू अ
पीस क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ 56 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज, 56 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 42 दिन में कर रहे हैं, तो हाउ मैनी मैन विल डू इट 14 डेज, तो वो बोल रहा है कि मतलब 14 दिन में कितने लोग कार्य करेंगे, तो बनाते हैं सेम। तो लिखेंगे मेंस और डेज, तो 56 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 42 दिन में, तो 14 दिन में कितने आदमी कार्य करेंगे, तो यही बताना है। तो सीधी सी देखो, 42 से कितना हो गया, 14 हो गए, तो सीधी सी बात है आदमी बढ़ जाएंगे, तो किस में आ जाएगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, तो एक्स वन बाई वन, एक्स टू बाई टू, तो 56 मल्टीप्लाई 42 इज इक्वल टू एक्स इंटू 14, तो 56 इंटू 42 यहां मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में इज इक्वल टू एक्स, 14 थ्री जा 42, तो 56 थ्री जा कितना हो गया, 36 जा 18, 35 जा 15 और 1 16 इज इक्वल टू एक्स, तो कितने आदमी करेंगे, 168 मेंस 14 दिन में कार्य कर पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा कार्य, ठीक है। इसी प्रकार से इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर 20 मिनट, तो मतलब ये बोला है कि 6 पाइप हैं हमारे पास, उन एक टैंक है, तो 6 पाइप कितना टाइम ले रहे हैं टैंक को भरने में, 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप, तो बोल रहा है कि कितने पाइप्स, मतलब 5 पाइप्स हम में है, तो ऑफ द सेम टाइप्स आर यूज्ड, तो टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा अगर हम 5 पाइप ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है 5 पाइप लेंगे तो ज्यादा टाइम लेगा ना वो भरने में, अभी 6 से ही ऑलरेडी वो कितने में भर रहा है, 1 घंटा 20 मिनट में, उन्हें सारे ने क्या कर लो, मिनट में चेंज कर लो पहले, तो पाइप कितने हैं 6 और मिनट में हम इसे चेंज कर लेंगे, तो कितनी मिनट हो जाएंगी, 80 मिनट हो जाएंगी, 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा में कितनी होती है, 60 मिनट होती है, और 20 और हैं तो 80 हो गई, तो ये कॉमन सेंस है, आप खुद कर लेना इसे, ठीक है। 80 मिनट और 5 पाइप दे दी है, टाइम हमसे पूछा है, तो ये किसमें आ जाएगा हमारा, इनवर्स प्रोपोर्शन में आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ 6 पाइप है, तो पाइप घटे हैं, तो क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, तो इसीलिए किसमें है, मैंने आपको बताया अगर टाइम जहां पर टाइम बढ़े तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, अगर कहीं टाइम घट रहा है तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये तो होता है हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन, अगर कहीं टाइम बढ़ रहा है तो उसकी दूसरी जो क्वांटिटी होगी वो भी बढ़ेगी, और अगर किसी एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी भी क्वांटिटी घट रही है, तो वहां पे क्या होगा हमारा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या है, स्थिति दूसरी चेंज है, टाइम पाइप घट रहे हैं तो टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसे x1 by 1 is equal to x2 by 2, तो x1 क्या है, 6 into 80 is equal to 5 into x, तो 6 into 80 यहां मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में is equal to x, तो 5 से 5 बन जा 5 और 5 3 जा 5, 6 जा 30, ठीक है, 6 6 जा 96 is equal to x, तो 96 मिनट आएंगे ये, तो ये मिनट हम कैसे कर लेंगे, इसे 60 से कर दो, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, और बची कितनी, 36 मिनट और बची, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 आवर एंड 36 मिनट, ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 11.1 यहाँ पर समाप्त होती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, अगर आपको कहीं भी डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ठीक है,
और चैनल को इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।